हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ प्याज की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के लिए देखिए, मैंने दो मीडियम साइज के प्याज ले रखे हैं, थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली है, चार पांच हरी मिर्चें और चार पांच लहसुन की कलियां हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी और ये लहसुन भी डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक। अनियंस को दो से तीन मिनट तक हम फ्राई करेंगे, ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा फ्राई होते ही हम इसे निकाल लेंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे पूरी अच्छी तरह से। अब मिक्सी का एक जार लेंगे और ये ठंडे हो गए प्याज को अच्छे से इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ये मूंगफली है, इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्च, इसको भी डाल देंगे। इसको पीस लेंगे, ग्राइंड करते वक्त अगर पानी की जरूरत हो तो थोड़ा हम पानी भी ऐड कर लेंगे। अब एक हम तड़का पैन लेंगे, उसमें तेल को गर्म कर लेंगे और राई को डाल के अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें दो साबुत लाल मिर्च डालकर उसे भी फ्राई कर लेंगे। राई और मिर्ची का तड़का तैयार है, इसे हम चटनी में मिक्स कर लेंगे। प्याज की चटनी बिल्कुल रेडी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।